हरियाणा चुनाव में इस बार 1747 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी के पर्चे अलग अलग दलों की ओर से भरे गए। राज्य चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हरियाणा में कुल 1747 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। 1561 प्रत्याशियों की ओर से 1747 नामांकन पत्र भरे गए। 1334 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। 375 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हुए। भिवानी से सबसे ज्यादा 31 नामांकन पत्र भरे गए। नागलचौथी से सबसे कम 9 नामांकन पत्र भरे गए। प्रदेश में उम्मीदवारों की फाइनल सूची 16 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन वापस लेने की तारीख भी 16 सितंबर ही है। प्रदेश की कुछ हॉट सीट्स की बात करें तो इसमें नायब सैनी का चुनावी क्षेत्र लाडवा आता है। लाडवा से कुल 24 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी वाली गढ़ी सांपला की रोहित सीट से कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। गुड़गांव और सोना सीट से 24 नामांकन हुए हैं। बात करें उचाना कला सीट की तो यहां से दुष्यंत चौटाला समेत 30 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन फाइल हुआ है। बात करें 2019 चुनावों की तो 2019 में कुल 1169 उम्मीदवार चुनावी समर में किस्मत आजमाने उतरे थे। इन चुनावों में बीजेपी को दूसरी बार जीत मिली थी और मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इस बार बीजेपी नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। सूबे के मुखिया के तौर पर नायब सैनी ने अपने 56 दिन के कार्यकाल में जमकर योजनाएं लागू की। बात करें कांग्रेस की तो टिकटों की मारामारी से लेकर अपनों की बगावत झेल रही कांग्रेस का फिलहाल कोई सीएम फेस नहीं है। सूबे में बीजेपी, कांग्रेस ही नहीं इनेलो जेजेपी के साथ अन्य दल भी जीत की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां अपने दम पर चुनाव मैदान में है, वहीं इनेलो और जेजेपी गठबंधन के सहारे चुनावी समर को पार करने की कोशिश में है। चुनाव में किसकी जीत होगी और किसे मिलेगी बैक सीट, इसका पता 8 अक्टूबर को चलेगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रविचंद्र की रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव में इस बार 1747 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी के पर्चे अलग अलग दलों की ओर से भरे गए। राज्य चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हरियाणा में कुल 1747 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। 1561 प्रत्याशियों की ओर से 1747 नामांकन पत्र भरे गए। 1334 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। 375 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हुए। भिवानी से सबसे ज्यादा 31 नामांकन पत्र भरे गए। नागलचौथी से सबसे कम 9 नामांकन पत्र भरे गए। प्रदेश में उम्मीदवारों की फाइनल सूची 16 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन वापस लेने की तारीख भी 16 सितंबर ही है। प्रदेश की कुछ हॉट सीट्स की बात करें तो इसमें नायब सैनी का चुनावी क्षेत्र लाडवा आता है। लाडवा से कुल 24 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी वाली गढ़ी सांपला की रोहित सीट से कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। गुड़गांव और सोना सीट से 24 नामांकन हुए हैं। बात करें उचाना कला सीट की तो यहां से दुष्यंत चौटाला समेत 30 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन फाइल हुआ है। बात करें 2019 चुनावों की तो 2019 में कुल 1169 उम्मीदवार चुनावी समर में किस्मत आजमाने उतरे थे। इन चुनावों में बीजेपी को दूसरी बार जीत मिली थी और मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इस बार बीजेपी नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। सूबे के मुखिया के तौर पर नायब सैनी ने अपने 56 दिन के कार्यकाल में जमकर योजनाएं लागू की। बात करें कांग्रेस की तो टिकटों की मारामारी से लेकर अपनों की बगावत झेल रही कांग्रेस का फिलहाल कोई सीएम फेस नहीं है। सूबे में बीजेपी, कांग्रेस ही नहीं इनेलो जेजेपी के साथ अन्य दल भी जीत की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां अपने दम पर चुनाव मैदान में है, वहीं इनेलो और जेजेपी गठबंधन के सहारे चुनावी समर को पार करने की कोशिश में है। चुनाव में किसकी जीत होगी और किसे मिलेगी बैक सीट, इसका पता 8 अक्टूबर को चलेगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रविचंद्र की रिपोर्ट।